भी पार्टी ने आज अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता को चुना है। पार्टी के इस ऐलान के साथ ही कुमार विश्वास को लेकर चल रही अटकलों का दौर भी थम गया है। अब ये साफ हो गया है कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा नहीं जा सकेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तो ये तीन नाम पार्टी ने फैसला लिया है, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कई दिन से मीडिया में चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें कि पार्टी और स्पेकुलेशन आप लोगों ने लगानी शुरू की, कई नामों पे ये जाएंगे नहीं जाएंगे, कई लोगों ने मना किया, पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता। इस ऐलान के तुरंत बाद कुमार विश्वास ने कहा कि पार्टी ने उन्हें शहीद कर दिया है और वह अपनी शहादत स्वीकार करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप भी लगाए कि अरविंद से असहमत रहकर कोई पार्टी में नहीं रह सकता। संजय सिंह तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता जैसे बाहरी लोगों के नाम पर मोहर लगने से पार्टी में असंतोष के स्वर अभी से ही उठने लगे हैं। जिस प्रकार के नाम आम आदमी पार्टी से आए हैं राज्यसभा के लिए, उनको देखकर केवल एक बात कह सकते हैं कि केजरीवाल के नाम यहाँ पर बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, सीधे सीधे इन सीटों का सौदा किया गया है, बेचा गया है। ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई विशेषज्ञ नहीं है, ये कोई आंदोलनकारी नहीं है, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये दिल्ली के बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो भारत की संसद में जाएंगे। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।